मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर नायगांव की हद में वर्सोवा खाड़ी के बगल में चल रहे सूर्या पानी प्रकल्प योजना के पाइपलाइन का काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान ज़मीन से 50 फुट नीचे मिट्टी निकाल रहे जेसीबी और ऊपर सतह पर मौजूद कंटेनर अचानक 6 बजे के करीब मिट्टी धंसने की वजह से खड्डे में मिट्टी के ढेर के नीचे दब गए। इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जेसीबी का ड्राइवर मुकेश कुमार यादव जेसीबी के साथ मिट्टी के नीचे दब गया था। घटना के विषय में मिट्टी के नीचे दबे जेसीबी ड्राइवर का साथी उसका कहना है कि काम के दौरान जेसीबी के द्वारा मिट्टी निकालने का काम चल रहा था, तभी अचानक से मिट्टी धंस गई। घटना करीब 6 बजे के आसपास में घटी है। नाम बताओ। मेरा नाम सुनील बंसल है। सुनील भाई, क्या काम होता था यहाँ पे और कौन दबाए नहीं? यहाँ सर हमारे साथ में ऑपरेटर था, पार्टनर थे, तो हम लोगों को यहाँ पर दबा हुआ है और हम लोग उसके साथ में 4 साल काम कर रहे थे। बाउडी का काम चल रहा है, लंटी का, ठीक है। तो अभी हमको 7 बजे के करीब पता चला है कि यहाँ पर बाउडी गिर गया है। अभी तक इनको बोला है तो कोई कार्रवाई चालू नहीं हुआ है। अभी वो आदमी नीचे दबा हुआ है, इधर सब हाथ पे हाथ धर के देखे साइड वाले और लंटी वाले सब बैठे हुए हैं इधर। सर यहाँ पे कितने बजे की घटना है और कितने लोग अंदर दब? एक आदमी साहब और मेरे को 7 बजे इन्फॉर्मेशन मिली है के बाउडी गिर गई है। तो वो जो दबा है वो कौन है, क्या कर रहा था? वो मशीन चला रहे थे एक्सकेवेटर नीचे, वो एक्सकेवेटर को नीचे खुदाई करते हैं हम लोग और ऊपर क्रेन से मिट्टी निकाला जाता है। यहाँ पे कोई सुरक्षा की इंतजाम किया था कि नहीं? सुरक्षा का सर कोई इंतजाम नहीं किया गया था, खाली उसमें PCC कर दिया गया था और कॉलम बीम लगाने के लिए बोला गया था पर वो लगा नहीं था। किस चीज का काम शुरू था ये सब? सर पाइपलाइन का टर्नल जा रहा है उसका काम चालू था।